हेलो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर एट्थ रीड द स्टेटमेंट केयरफुली अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस अब देखिए गार्डनर के पास वन प्लांट्स हैं और वो उन्हें किस तरीके से प्लांट करना चाहता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या रहे सेम रहे. अब देखिए इसका मतलब वो एक स्क्वायर बॉक्स बनाना चाहता है स्क्वायर बनाना चाहता है लेकिन ये जो थाउजेंड है ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है राइट right? इसीलिए तो ये पूछा इसने कि और कितने प्लांट्स चाहिए इस काम के लिए देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता है हमने अभी ऊपर फिफ्थ क्वेश्चन किया इसी एक्सरसाइज का फाइंड द लीस्ट नंबर बी टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर सेम वही चीज है कि कितने प्लांट्स और ऐड करें यानी थाउजेंड में कुछ ऐड करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हम कैसे करते थे ये जो हमारे पास थाउजेंड है ना इसी थाउजेंड को डिवीजन मेथड यूज करते हैं पहले पेयर्स बनाते हैं देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है फिर आगे चलते हैं थ्री थ्री ज़ार नाइन टेन में से नाइन माइनस करते हैं तो वन आएगा टू जीरोस थ्री का डबल करते हैं सिक्स अब सिक्स के साथ क्या लगा सकते हैं वन ही लगा सकते हैं सिक्सटी वन वन जार सिक्सटी वन क्योंकि टू तो चलेगा नहीं हंड्रेड से प्लस हो जाएगा और इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो थर्टी नाइन अब देखो रिमाइंडर थर्टी नाइन आ गया अब एक बात तो क्लियर है थर्टी वन का जो स्क्वायर है ना अगर थर्टी वन का स्क्वायर करें तो ये जो है ना इट विल बी लेस देन वन थाउजेंड थर्टी वन का स्क्वायर तो वन थाउजेंड से छोटा होगा तो नेक्स्ट स्क्वायर वैल्यू थर्टी वन के बाद बनती कौन सी थर्टी टू की बनेगी थर्टी टू का स्क्वायर क्या होता है आप करके देखेंगे 32 का स्क्वायर होता है 1024 ठीक है 32 का स्क्वायर 1024 होता है यानी कि मुझे 1000 नहीं 1024 प्लांट्स चाहिए फिर जाके स्क्वायर बन सकता है क्योंकि 32 होता है इसका स्क्वायर रूट तो मेरे को फिर कितना और ऐड करना पड़ेगा देखते हैं ध्यान से देर फोर मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स नीडेड कितने चाहिए इट इज इक्वल टू वन जीरो टू फोर थर्टी टू का स्क्वायर आया ना उसमें से थाउजेंड माइनस कर दीजिए मुझे कितने चाहिए जी ट्वेंटी फोर चाहिए बस ट्वेंटी फोर और मिल जाएंगे तो वन जीरो टू फोर बन जाएगा उसे स्क्वायर बड़े आराम से बन सकता है थर्टी टू उसका स्क्वायर रूट होता है थर्टी टू रोज थर्टी कॉलम्स आराम से बन जाएंगे लेकिन हमें उसने सिर्फ इतना ही पूछा है कि मिनिमम नंबर कितना चाहिए बस उसका आंसर 24 तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 24 आएगा राइट लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर नाइन देर आर 500 हंड्रेड चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं पिछले क्वेश्चन की तरह बॉक्स बनेगा हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट डिफरेंस क्या है पिछले क्वेश्चन में पूछा था और क्या एड करें यहां पे है कितना बच जाएगा कुल मिला के क्वेश्चन मिलता जुलता है लेकिन इसमें सिर्फ रिमाइंडर निकाल के छोड़ना है कि कितना बचता है उसमें हमने स्पेशली ऐड किया था इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि 500 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है लेकिन डिवीजन मेथड लगा के देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है पेयर बनाओगे टू टू जर फोर हंड्रेड हो गया टू का डबल करेंगे तो फोर फोर्टी टू टू एटी फोर तो रिमाइंडर क्या आया 16 आया अब देखो हुआ क्या है 500 टोटल बच्चे थे 22 का स्क्वायर करते हैं तो 484 484 आता है। यानि कि 484 बच्चे तो नंबर ऑफ और कॉलम्स के हिसाब से खड़े हो जाएंगे लेकिन ये 16 जो है बच जाएंगे यानी कि डिवीज़न मेथड यूज करके जो रिमाइंडर आता है वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो इसमें लिखेंगे कैसे देयर नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट आउट क्वेश्चन वाली लाइन ही लिखनी है लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट इट इज इक्वल टू 16 ये सोल्व करके दिखाना है ये प्रॉपर प्रॉपर 16 आंसर या से रिमाइंडर निकलेगा तो ये आंसर हम लिख पाएंगे राइट right? तो आज हमने दो क्वेश्चन कवर किए एट और नाइन्थ ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे थैंक यू